नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की सबसे बड़ी चर्चा के खास कार्यक्रम बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। तो आज बात करेंगे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के बाद से ही पनौती शब्द चर्चा में कैसे आ गया। मीडिया ट्रेंड में होते हुए इस शब्द में अब तो राजनीति भी घुसपैठ करने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस में तो पनौती पर एक तरीके की जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पहले इस पर रिपोर्ट देखेंगे और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश की सियासत में गजब की राजनीति हो रही है। राजनीति क्या यूं कहिए कि पनौती पॉलिटिक्स का दौर है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासी होड़ में वर्ल्ड कप का फाइनल के दौरान चर्चित हुई इस शब्द के चर्चे तो चुनाव अभियान तक पहुंच गए हैं। पनौती शब्द को नकारात्मक रूप में लिया जाता है, जिसे अशुभ कह सकते हैं। ऐसा शख्स जो बुरी किस्मत लाता हो, वैसे है तो ये कोरा अंधविश्वास, लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक में पनौती पनौती का खेल राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। पनौती वो अच्छा भला वहाँ पे अच्छा भला हमारे लड़के वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहाँ पे पनौती हरवा दिया। दरअसल देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के बीच में पनौती पनौती का खेल चल रहा है। मैं नहीं तू पनौती, एक दूसरे को पनौती साबित करने की होड़ मची हुई है। शुरुआत राहुल गांधी ने राजस्थान की एक चुनावी रैली से की। पृष्ठभूमि में थी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की हार और निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। जवाब में बीजेपी अब राहुल गांधी की दिवंगत दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पनौती साबित करने में जुट गए हैं। राहुल गांधी ने राजस्थान की एक चुनावी रैली में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया की हार पर कहा, हमारे लड़के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया। कांग्रेस नेता ने जब ये बात कही तब रैली स्थल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ की तालियों से गूंज उठा। इसके बाद तो राहुल गांधी पीएम का एकदम नया मतलब ही समझाने लगे। पीएम मतलब पनौती मोदी। पहली बार तो राहुल गांधी ने किसी का नाम लिया नहीं, अब आप खुद ही समझ रहे हो कि नहीं हूँ पनौती से बात अलग। राजनीति में दाएं बाएं से इस तरह के बयान आते रहते हैं अलग अलग। खैर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान वहां पीएम मोदी भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने फाइनल में टीम इंडिया की हार को वहां पीएम मोदी की मौजूदगी से जोड़ दिया। अब ये चुनाव में कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होता है या फिर नहीं, जवाब तो 3 दिसंबर को मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मूर्खों का सरदार तंज पर जवाबी तंज तो कस ही दिया है। और इसी के साथ बीजेपी कांग्रेस में पनौती पनौती की जंग भी छिड़ चुकी है। राहुल गांधी के पनौती बयान से तिलमिलाई बीजेपी चुनाव आयोग के दर पर भी पहुंच गई है। वहीं राहुल के बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। राहुल गांधी की एक टिप्पणी की मैं गंभीर भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी ने ये शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है, और मेरे पास और शब्द हैं, इससे अधिक हम बड़े शब्द नहीं बोल सकते, पीड़ादायक। राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? आप हार की हताशा में इतने परेशान हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पर गाली पड़ रहे हैं आप? आपका आक्रोश तब कहा था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं, तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए, ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी कर राहुल गांधी ने अपना असली रूप दिखा दिया है। बीजेपी ने ये भी याद दिलाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के दौरान जब सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था, तब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या हालत हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का बयान घोर निंदनीय है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी। बहरहाल ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पनौती को लेकर शुरू हुई सियासत क्या रूप लेती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस।
तो इसी विशेष विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बेहद ही खास पैनल हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से लाइव। बहुत स्वागत है आपका फिरोज जी। और साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता आशीष तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र कुमार सुल्लहरे जी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। बहुत स्वागत है भूपेंद्र कुमार जी आपका भी। तो मध्य प्रदेश की सियासत में देखा कि गजब का एक राजनीतिक पैटर्न हमने देखा है, राजनीति कह लीजिए या फिर पनौती पॉलिटिक्स कह लीजिए। इस पर रिएक्शन सबसे पहले आशीष जी आपसे चाहूंगी, बाकी के मेहमानों के पास फिर लौटती हूँ। तो आज जिन परिस्थितियों से गुजर रही है तो मुझे लगता है कि अब उनके स्वभाव में आ गया है कुछ भी बोलना। सबसे पहले तो बोलने के पहले उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि आज बोल किसके लिए रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें देश की जनता ने सुना है। जिसे जनता ने सुना हो उसका मतलब, बात का मतलब होता है कि वह सर्व स्वीकार है। आज देश की जनता ने उन्हें स्वीकार कर रखा है और उन्हें उस देश के उच्च पद पर रखा है जिस पद तक पहुंचने के लिए राहुल गांधी जी कई वर्षों से सपना देख रहे हैं, पर उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो मैं साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि कम से कम बोलने के पहले सीखें कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। साथ ही साथ मैं इस बयान की निंदा भी करता हूं क्योंकि यह बयान देश के हित में नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के सम्मान, देश का ये एक प्रकार का अपमान है जो हमें जिस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। आज विपक्ष के नेता इस प्रकार की भाषा का, जो बोलचाल की भाषा में इस प्रकार से बोल रहे हैं, ये दुखद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अभी बोलने का प्रशिक्षण लेना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। ठीक है, एक रिएक्शन फिरोज जी से भी जान लेते हैं। फिरोज जी किस तरीके से देखेंगे इस पनौती पॉलिटिक्स को, और जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं कि भाषा का संयम रखना चाहिए, इस पर क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, पूरी बाइट में आपने जो दिखाया इसके अलावा कहीं कोई बाइट नहीं है मौजूद। राहुल गांधी जी ने कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया क्या अपना पनौती शब्द में? उन्होंने तो सीधा कहा कि भाई हमारे लड़के अच्छा खासा मैच जीत रहे थे, पनौती ने आके हरवा दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी खुद शुरू हो गई कि साहब ये तो पनौती पनौती पनौती। अरे भाई, ये आपकी भारतीय, आप कहां आशीष तिवारी जी अपनी पार्टी की गुटबाजी में फंस गए। रविशंकर प्रसाद हो या गडकरी जी हो या राजनाथ सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये येदुरप्पा, ये सब मोदी जी के खिलाफ है। और इन लोग, ये सभी लोग मिलके जो है प्रचारित कर रहे हैं। अभी भी देखिए रविशंकर प्रसाद ही गए निर्वाचन आयोग कि मोदी जी को पनौती का। राहुल गांधी जी ने जब नाम नहीं लिया तो आप कैसे, वहां तो 1 लाख लोग थे स्टेडियम में, और 1 लाख लोगों में क्या पनौती मोदी जी ने ही क्यों मान लिया कि मैं ही पनौती हूं? मुझे तो यह बात नहीं समझ में आ रही कि भाई मोदी जी ने ही क्यों मान लिया कि मैं पनौती हूं। ये लोगों ने ट्रोल किया और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जो है पनौती है, पनौती मोदी लिख के ट्रोल किया। तो अब इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? कांग्रेस पार्टी ने तो पनौती कहा नहीं, ना हमारे नेताओं ने किसी ने पनौती का, ना हमारे किसी नेता के, आप सोशल मीडिया हैंडल पे देख सकते हैं कि किसी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा हो। तो अब अगर जनता किसी को पनौती मान रही है तो आप विश्वगुरु बोलिए ना उनको, आप क्यों पनौती पनौती बोलने लगे? तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर से ही पनौती पनौती बोल रही है उनको, प्रधानमंत्री को। तो इसमें कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती वाली बात है आशीष जी। बिल्कुल फिरोज जी, ये जानना चाह रहे हैं कि जब मंच से राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया तो फिर क्यों बीजेपी को इस बात से मिर्ची लग रही है? और दूसरी एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम बीजेपी को किस बात से है, पनौती शब्द इस्तेमाल किए जाने को लेकर, या फिर राजस्थान में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, इसका असर पड़ता हुआ बीजेपी देख रही है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन पहले भूपेंद्र जी से एक पनौती पॉलिटिक्स पर रिएक्शन चाहूंगी। भूपेंद्र जी। जी, देखिए, राजनीति में संवाद और संचार और उसमें जो शब्दों का चयन होता है बड़ा महत्वपूर्ण
और निश्चित तौर से जब चुनाव कैंपेन होता है तो नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं उनके कहने और उसका अर्थ का मीनिंग दोनों तरह से जाए और वह वोट में कन्वर्ट होता है। अगर राहुल गांधी की देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता 2019 में गुजरात के चुनाव में इसी के कारण कही गई गई थी, तो उन्होंने मोदी सरनेम को कहा गया था कि चोर कौन मोदी कौन है, और जिसके कारण जो कोर्ट में उनको सजा भी हुई थी और फिर बाद में उनकी सदस्यता बहाल भी हुई थी। और ये पनौती जो शब्द है अशुभ है, एक प्रधानमंत्री इसका मीनिंग होता है अशुभ, और ये निश्चित रूप से विपक्ष की पार्टी होती है और वो शब्दों की उन्हीं को लेती है। आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर कह रहे हैं कि हमने तो किसी के नाम से, तो ये तो जनता समझती है कि किस नाम से दे, ये कानूनी प्रक्रिया कौन है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको भी चुन के संवैधानिक रूप से दिया गया है। लेकिन अगर इस चीज को कहा जाए तो आप अगर देखें 2002 में जब वो मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो उन्हें मौत का सौदागर कहा गया था और जिसके कारण उनको बहुमत फिर हासिल की और जनता ने उनको फिर बहुमत दिया और देश के प्रधानमंत्री बने। तो जब ये पता चल रहा है कि उनको कुछ कहने से उनको जबरदस्त जनमत मिलता है तो इस चीज में संवाद पे रोक लगनी चाहिए, चाहे वो किसी की तरफ से हो, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से हो चाहे विपक्षी की हो, क्योंकि हमारा संवाद इतनी सत्ता के लिए इतना निम्न स्तर पर नहीं होना चाहिए कि उसकी गर्म चली जाए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि भाषा का संयम, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों को अपने स्तर पर एक भाषा का संयम रखना चाहिए। आशीष जी, पहले तो मैं आपसे फिरोज सिद्दीकी जी के सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। आशीष जी आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है आशीष जी या फिर भूपेंद्र जी, आप दोनों ही के पास शायद नजदीक में बहुत टीवी या कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसकी वजह से आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। आशीष जी आप सुन पा रहे हैं? मेरे पास तो नहीं है। आशीष जी, आशीष जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आशीष जी, पहले तो फिरोज सिद्दीकी जी के सवाल का जवाब मैं चाहूंगी, और दूसरी चीज क्योंकि सवाल आपने उठाया था कि भाषा के संयम की जब बात बीजेपी करती है तो ऐसे बहुत सारे मौके इसके पहले बीजेपी के भी पड़े हैं जहां पर भाषा का संयम रखना बीजेपी शायद भूल गई है। ये उदाहरण मैं आपको आगे गिनाऊंगी, लेकिन पहले सवाल का जवाब। देखिए, मैं निश्चित तौर पर एक बात कहूंगा सभी राजनीतिक दलों के लिए भी और राजनेताओं के लिए, राजनीति की अपनी एक मर्यादा है और मर्यादा के अनुसार ही सभी को उसका प्रयोग करना चाहिए, इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। दूसरी बात, हमें इस बात का भी राजनीति में याद रखना चाहिए कि आज वर्तमान परिस्थिति में कौन व्यक्ति किस दायित्व पर है, क्योंकि यदि जनता किसे चुनती है और उसके बाद उसे देश के सर्वश्रेष्ठ पद मिलते हैं तो निश्चित तौर पर यह साबित होता है कि जनता का उसके प्रति प्रेम है, स्नेह है और वो देश का सम्मान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब देखेंगे अभद्र भाषा की बात आएगी तो आपने देखा होगा लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस प्रकार से आते रहे हैं जिनमें लगातार विरोधाभास रहा है अथवा किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर बातें की गई, अथवा ऐसे प्रश्नों का प्रश्न खड़े किए गए या इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप किए गए, इस भाषा में आरोप प्रत्यारोप किए गए कि जिसमें किसी ना किसी की मान। लेकिन बीजेपी भी तो राहुल गांधी की दिवंगत दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पनौती साबित करने में जुटे हुए हैं, ऐसा कई बार हुआ है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के बहुत सारे नेता इस बात को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं। चलिए, इस सवाल का जवाब फिरोज जी आपसे जाऊंगी, क्योंकि बार बार ये दूसरी बार आशीष जी ने भाषा के संयम को लेकर के बात कही है। ये बात सच है कि बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर अंधविश्वास पर भरोसा भारत देश करता आया है, ऐसे में पनौती शब्द का इस्तेमाल करना ऐसी परंपरा को तोड़ने के बजाय बढ़ावा देने जैसी कोशिश नहीं है, आपको नहीं लगता फिरोज जी?
ऐसा है कि जिसको पनौती, जो अपने आप को पनौती समझ रहा है वो समझ ले पनौती। सवाल समझने को लेकर नहीं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर। हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये एक आम जनरल चर्चा है कि अरे यार अच्छा काम में चले थे, पनौती लग गई, काम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक आम चर्चा में है, मुहावरे जैसा भी लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं यार सूतक लग गए। ठीक है यार, ये देखो बिल्ली रास्ता काट गई। ठीक है, काली बिल्ली थी रास्ता काट गई। तो ये ऐसे शब्द जो हैं, ये चीज हमारे पुरखों के जमाने से चले आ रहे हैं और ये आज भी चल रहे हैं। सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री जो देश के हैं, भारत का संविधान कहता है कि भारत के नागरिक की मान मर्यादा और सम्मान रखने का जो दायित्व है वो कर्तव्य है, वो सरकार का कर्तव्य है, और प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर किसी को मूर्खों का सरदार बोले, उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी को भ्रष्टाचारी बोले, उनकी माँ को जर्सी गाय बोले, उनको राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बछड़ा बोले, तो आप बोले तो सब ठीक है। शुरुआत किसने की इस राजनीति की? अटल जी के जमाने में तो कोई ऐसी बातें नहीं करता था। चुनाव आयोग को शिकायत करो तो वो भी उन्हीं का पिट्ठू है, नोटिस देना तो दूर, चुनाव आयोग बात कर ले बहुत बड़ी बात है। तो ये जो चीजें हो रही हैं कि अब मोदी जी कह रहे हैं, तो मोदी जी वहां भी रोए थे कर्नाटक में कि मुझे ऐसा कह दिया, मुझे वैसा कह दिया। प्रियंका गांधी जी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मोदी जी ये सार्वजनिक जीवन है, इसमें सब कुछ सहना पड़ता है, सब कुछ सुनना पड़ता है और आगे चलना पड़ता है। तो मोदी जी को हम भी यही सलाह देंगे कि सब कुछ आपको सुनना पड़ेगा, सब कुछ आपको सहना पड़ेगा और आपको राजनीति में आगे चलना पड़ेगा। आप बोलिए कि आपने क्यों हमारे नेता को मूर्खों का सरदार बोला, ये बताइए कि क्यों बोला। तो अगर आपने बोला है तो आपको इस बात के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और करिए, और सुचिता की राजनीति को पुनः स्थापित कीजिए। भूपेंद्र जी से एक रिएक्शन बीच में चाहूंगी। भूपेंद्र जी, पीएम का एकदम से नया मतलब समझाने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है कि पीएम मतलब पनौती, पनौती मोदी मोदी, और जैसा कि भाषा के संयम को लेकर के मेरे दोनों और खास मेहमान जो बीजेपी और कांग्रेस से हैं वो बार बार भाषा के संयम को लेकर के बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है ना इस बात को कांग्रेस याद रखती है ना बीजेपी। देखिए, चुनाव में रैलियां होती हैं और उनके राष्ट्रीय नेताओं के भाषण सुनने लोग दूर दूर से आते हैं और उनके शब्दों का एक एक मायने लगा जाता है, और उससे ज्यादा जनता से ज्यादा दूसरे पार्टी के नेता उसके भाषणों को सुनते हैं और उनकी मीनिंग के हिसाब से अपने आप को कैलकुलेट करते हैं और जनता के बीच में उस शब्दों को लेते हैं, जिसमें बीजेपी तो बहुत ज्यादा तरीके से करती है। तो अगर राहुल गांधी जी का जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी उनके थ्रू उनमें जन समर्थन भी बढ़ा था, लेकिन ऐसी सब चीजें तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे बहुत सारे वक्त पड़े हैं जब संज्ञा बीजेपी ने भी भर भर के दी है, एक तरफ पप्पू कह देना और मूर्खों का सरदार कह देना, और इसके लिए पहले भी बहुत सारे स्टेटमेंट आए हैं, तो एक पार्टी विशेष को हम नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने ये बात छेड़ी है कि भाषा का संयम नहीं होता है। लेकिन बात यहाँ ये है ना कि वो देश के प्रधानमंत्री है, आम व्यक्ति नहीं, एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, और दूसरे तो उनका दायित्व तो ज्यादा है कि वो अपनी जो बात है, इसलिए उनका दायित्व तो ज्यादा है कि वो दूसरे भाषा का संयम सबसे ज्यादा वो रखें। ये असल बात है। जनता प्रधानमंत्री को फॉलो नहीं करेगी, जनता प्रधानमंत्री को फॉलो नहीं करेगी, प्रधानमंत्री जनता को फॉलो करेंगे। ये उल्टा संविधान नहीं लिखा है भारत में, उनकी गलती है कि उन्होंने क्यों मूर्खों का सरदार का, क्षमा याचना उनको करनी चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आशीष जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी, इसे नहले पर नहला नहीं मान सकते क्योंकि बीजेपी आशीष जी लगातार, अरे आप भी तो बोलते हैं, अरे आप भी तो बोलते हैं, अब जनता ने पनौती बना दिया आपके नेता को, तो हमारी गलती थोड़ी है इसमें, जनता ने आपके नेता को पनौती बना दिया इसमें, हमारी गलती थोड़ी है भाई, हमसे क्यों कह रहे हो आप? आप ट्रेंड हो रहा है 3 दिन से सोशल मीडिया पे पनौती शब्द, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। आशीष जी आपसे सवाल मेरा, आज देश के लोगों को मैंने कांग्रेस को भी सुना और वरिष्ठ पत्रकार ने भी सुना, सवाल आपसे आशीष जी,
प्रधानमंत्री के प्रति, इस देश के राष्ट्रपति के प्रति। इस देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि देश की राजनीति को सुचितापूर्ण रखें। ये प्राथमिक जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है, विपक्ष के नेता की नहीं है। प्राथमिक जिम्मेदारी जो है देश के प्रधानमंत्री की है। लौटूंगी आपके पास आशीष जी, आपसे सवाल इसे आप दहली पे दहला नहीं मानेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को पप्पू की संज्ञा भी देने वाली तो बीजेपी ही है ना, यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बढ़ावा देने में बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। मैंने आपको पूर्व में भी कुछ बातें कही हैं कि आज देश के अंदर जो भाषा का प्रयोग हो रहा है वो किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा हो, लेकिन बीजेपी अब क्यों पहल कर रही है, अब क्यों पहल कर रही है ऐसी भाषा के संयम रखने को लेकर कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी भाषा को सही में चलना पड़ेगा और देश के अंदर भी क्या बोलना है ये तय करना पड़ेगा। देश के अंदर की बातें बाहर नहीं बोलनी पड़ेंगी, इनको इन सब बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं होता, सबसे बड़ा देश होता है और देश का प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है आशीष जी, एक बहुत स्पष्ट बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, मैं यहाँ पर किसी पार्टी विशेष को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी जो वीडियो क्लिप हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया है टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी ने कहीं पर भी प्रधानमंत्री का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है या नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आपके नेता बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर ये कह चुके हैं कि राहुल मतलब पप्पू। अगर आप भाषा के संयम का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, इस पर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी आशीष जी। फिर फिरोज जी के पास लौट रही हूँ मैं, कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी क्यों आकलन कर रही है कि अगर पनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया तो प्रधानमंत्री के लिए किया गया है। अंदर की बातें की थी, इस पर कांग्रेस के नेता कभी नहीं बोले। कांग्रेस के नेता कभी भी विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते। देश के नेता कभी अपने राज्य की समस्याओं को लेकर जनता के जाने की बात नहीं करते। ठीक है फिरोज जी, इस पर रिएक्शन आपसे चाहूंगा। फिरोज जी देखिए, ठीक है आशीष जी, बड़े नेता का अपमान किया जा सकता है, इस प्रकार की जो चर्चा है ये कांग्रेस के नेता हमेशा से करते थे। हम बोल रहे हैं आशीष जी, अब हम बोल रहे हैं की बात रहती है। अरे आशीष जी, आप ही का जवाब दे रहे हो मैं फिरोज जी से। ऐसा है कि पूरे देश में और आज यही कारण है कि कांग्रेस जो गर्त में गई है कांग्रेस के नेताओं के कारण ही गई है। अच्छा, पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिए हैं, पूरे देश में हर समुदाय को इन्होंने, किसानों तक को इन्होंने खालिस्तानी बोला है। सुनिए, सुन लीजिए आप, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लिया, अरे सुन लीजिए भैया, आशीष जी हो गया, अरे अब आप मुझे ले लेने दीजिए फिरोज जी से। जी फिरोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप भी कम से कम इन चीजों को समझें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो, अरे भाई हम तो समझ ही रहे हैं, हम तो समझ ही रहे हैं। जवाब दिया है मुझे आशीष भाई, संयम होना चाहिए। आशीष भाई जवाब ले लेती हूँ मैं फिरोज जी, आशीष भाई ये तो हम समझ ही रहे हैं, बहुत सालों से समझ रहे हैं। आप ही के प्रवक्ता आके हमारे नेता के बारे में चैनलों पे ऑन एयर क्या क्या बोलते थे, सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए अब आप बात सुन लीजिए। ऐसे मजा नहीं आएगा, पहले बात सुन लीजिए। आपके चैनल पे आके कितने लोग कहते थे, मूर्खों का सरदार अभी बोला प्रधानमंत्री ने, जनता प्रधानमंत्री को फॉलो नहीं करेगी कि प्रधानमंत्री की इज्जत जनता को करना है। पहले प्रथम दायित्व तो प्रधानमंत्री का है कि वो जनता के मान सम्मान के रक्षा करें। आप बोलिए प्रधानमंत्री को कि ये शब्द उन्होंने यही मध्य प्रदेश में रैली में बोले, गलत बोले या सही बोले, आप ये तो बताइए मुझे कि ये गलत बोला या उन्होंने सही बोला। ठीक है, और जब आपके आप लोगों के साथ आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाहर हाल ये जो पॉलिटिक्स है, पनौती पॉलिटिक्स, ये दूसरे ही रुख में जा रही है। हालांकि आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा इस पनौती पॉलिटिक्स का असर राजस्थान की सरकार पर पड़ता है या नहीं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी 3 तारीख को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।